दादी माँ के घरेलू नुस्खे 28 बेस्ट किचन टिप्स। एक, पीरियड और लेट लाने के लिए नींबू के रस को भी गर्म पानी में मिलाकर पीने से पीरियड लेट आते हैं। पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से पीरियड्स के दौरान आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ये पीरियड्स के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है और रक्त प्रवाह को भी हल्का कर सकता है, इसलिए गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पिए। नंबर दो, जिन महिलाओं को बार बार यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, उनको कभी भी पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए। दिन भर खूब सारा पानी पीना चाहिए और एक दिन में नारियल पानी जरूर पिए। इससे बार बार यूरिन इन्फेक्शन की समस्या आपकी नहीं होगी। नंबर तीन, सफ़ेद चीनी का सेवन से कैंसर का खतरा दूर होता है। चार, रोजाना एक लहसुन की कली खाने से हाई बीपी की समस्या दूर होती है। नंबर पाँच, जो महिलाएं नहाने के बाद सौंफ का पानी पीती हैं, उनको बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है और बीमारियों से भी बची रहती है। नंबर छः, ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का सेवन करने से पेट की आते सूख जाती है, इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर सात, अमरूद को नाश्ते में काली मिर्च काला नमक के साथ खाने से पेट फूलना, कब्ज की दिक्कत, बदहजमी भी दूर हो जाती है। तो अमरूद को खाने में आप काली मिर्च और काला नमक डालकर खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आठ, अगर आप खाने के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो इससे आपके चेहरे का निखार बढ़ेगा और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। नंबर नौ, पतले छाछ में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। नंबर दस, दही में अंडा मिलाकर बालों पर लगाने से बाल सिल्की और शाइनी बनते हैं और इससे बाल सीधे भी होते हैं। नंबर ग्यारह, लौकी की सब्जी को हेल्दी बनाए रखने के लिए कभी भी इसमें गरम मसाला या सब्जी मसाला बिल्कुल भी ना डालें। सिर्फ ये सब्जी सादी ही अच्छी लगती है, तो लौकी की सब्जी में सब्जी मसाला और गरम मसाला बिल्कुल ना डालें। नंबर 12, जिन औरतों का पेट ज़्यादा बढ़ गया है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे पेट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 13, जिन औरतों के चेहरे पर दाग धब्बे हैं उसको तुलसी का रस पीना चाहिए, जिससे दाग धब्बे दूर होते हैं। तो जिन महिलाओं के दाग धब्बे हैं चेहरे पर, उनको तुलसी का रस पीना चाहिए, इससे खून साफ होता है। 14, अखरोट और केला का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 15, अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आपको पुदीने को सूंघना चाहिए। 16, आटे में दूध और चीनी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 17, अदरक के टुकड़े पर सेंधा नमक डालकर चूसने से आवाज़ खुल जाती है। नंबर 18, नीम के पेड़ की दातुन करने से दांतों में कोई बीमारी नहीं होती है, तो हफ्ते में भले ही एक बार करें पर नीम के पेड़ की दातुन जरूर करें। 19, रात के वक्त चाय पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 20, एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर 5 मिनट मसाज करें, इससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ दाग धब्बे नहीं होंगे। नंबर 21, शाम के 7 बजे बाद नमक कम खाएं। नमक कम खाने से शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है जो वजन बढ़ाने का काम करता है। नंबर 22, गर्म तेल का तेल लें और उसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स करके गठिया वाली जगह पर मालिश कर लें, इससे गठिया रोग ठीक हो जाता है। तो गर्म तिल का तेल लें और उसमें जो काली मिर्च का पाउडर है वो डाल लें और फिर गठिया वाली जगह पर मालिश करें। 23, जो औरतें खाने के साथ खीरे का सेवन करती हैं उसमें उनके मोटापा नहीं आता है। नंबर 24, कच्चा लहसुन खाने से पेट की चर्बी पिघलने लगती है और खून भी साफ हो जाता है। नंबर 25,
आम का अचार पराठे के साथ खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 26, अगर आप पसीने की बदबू को दूर करना चाहते हैं तो नहाने की बाल्टी में आधा नींबू काटकर निचोड़ दें, इससे आपके पसीने की बदबू दूर होगी। नंबर 27, बादाम और सौंफ मिलाकर खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और आँखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 28, औरतें आँखों के नीचे डार्क सर्कल से परेशान हैं, उनको जायफल घिस के थोड़ी देर आँखों के नीचे लगाना चाहिए, फिर इसको धो लें, इससे आँखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या से निजात मिलेगी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।